हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने लौकी के कोफ्ते तल कर तो बहुत बार खाए होंगे। आज मैं आपको बिना तले लौकी के ऐसे कोफ्ते बनाना बताऊंगी जिसे आप देखते ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो की एक लौकी ली है। ये देखिए कितनी कच्ची लौकी है। आजकल लौकी वैसे ही बहुत कच्ची आ रही है। इसके ऊपर और नीचे का डंठल हम निकाल कर अलग कर देंगे और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो पार्ट में डिवाइड ना भी करें। मुझे इसे ग्रेट करना है इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पीलर की हेल्प से हम इसके ऊपर का छिक्कल हटा देंगे और दोनों लौकियों को इसी तरीके से छील लेंगे। देखिए, मैंने अपनी दोनों लौकियां छील ली हैं। अब ग्रेटर की हेल्प से हम मीडियम वाले ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से घिस कर रख लेंगे। देखिए, मैंने अपनी सारी लौकी को अच्छे से घिस लिया है। अब इसका हम हाथ से दबाकर इसका जितना पानी हो सके निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसे कपड़े में पोटली बनाकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। और ये देखिए, मैं सारी लौकी का पानी अच्छे से निकाल लूंगी। आप जितना पानी इसका निकाल लेंगे उतने ही कम बेसन का यूज करना पड़ेगा और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे बाद में ग्रेवी में यूज कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने अपनी सारी लौकी का पानी निकाल लिया है। अब इसमें मैं एक कप बेसन डाल दूंगी और साथ ही साथ थोड़े मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर बहुत गीला है। लेकिन इसमें कम से कम बेसन का यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, मेरा मिक्सचर एक कप बेसन में ही बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक छलनी ली है, इसके ऊपर हम एक बटर पेपर लगा देंगे और लौकी के और मिक्सचर में से छोटे छोटे गोले बनाकर हम इस बटर पेपर के ऊपर लगा देंगे। जितने बड़े कोफ्ते हमें बनाने हैं उतने बड़े ही हमने इसमें गोलियां बनाकर लगा देंगे। और ये देखिए, मैंने अपनी सारी गोलियां अच्छे से बटर पेपर पर सेट कर दी हैं। अब इधर मैंने गैस पर एक भगोने में पानी गर्म होने रख दिया था। पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसके ऊपर अपनी जाली रख देंगे और इसे प्लेट से ढककर हम 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट बाद देखिए, मेरे कोफ्ते आधे से ज़्यादा पक गए हैं। अभी हमें इन्हें और पकाना है इसलिए ढककर फिर से पकने रख देते हैं। और ये देखिए, फाइनली मेरे पकौड़े अच्छे से पक गए हैं। इसमें चाकू लगाने पर ये आराम से बिल्कुल साफ चाकू निकल रहा है। अब इसे हम इसी तरीके से ठंडा होने रख देंगे और थोड़ी देर बाद देखिए, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम अपनी जाली को बाहर निकाल लेंगे और बटर पेपर से सारे कोफ्ते निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, कितने आराम से मेरे कोफ्ते निकल कर बाहर आ रहे हैं। जरा से भी कोफ्ते बटर पेपर पर चिपके नहीं हैं। सारे कोफ्तों को निकालकर इसी तरीके से बाहर कर लेंगे। और ये मैंने सारे कोफ्ते निकालकर बाहर कर लिए हैं। ये देखिए, कितने अच्छे सॉफ्ट बने हुए हैं और अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं दो टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें भी ऑयल को कम से कम यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग,
एक क्रश की हुई बड़ी इलायची। और अब मैंने ये प्याज, एक बड़ा प्याज लिया था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें बिल्कुल लाल कर भूनना है। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक इधर मैंने एक कटोरी में थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये मैंने थोड़ी सी नॉर्मल मिर्च ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं। और एक घोल बनाकर रख लेंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक हम, ये देखिए प्याज भी अच्छे से भुनने लगा है। अब इसमें मैं एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इन कोफ्तों को आप जितने कम ऑयल में बना सकते हैं उतने कम ऑयल में बना सकते हैं। आधा चम्मच हरी चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें आपको ज़्यादा ऑयल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें अपने घुले हुए मसाले डाल देंगे। देखिए मेरे मसाले भी अच्छे से फूल गए हैं। इस तरीके से मसालों को भिगोकर डालने पर मसालों का टेस्ट अच्छा आता है, साथ ही साथ ये जलते नहीं हैं। और मसालों को भी ऑयल सेपरेट होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए थोड़ी देर में मसालों में से भी ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब ये मैंने दो टमाटर की ग्रेवी ली है, ये इसमें डाल देंगे। और टमाटर को भी अच्छे से हमें ग्रेवी के साथ भूनना है। अब हमने जहाँ टमाटर डाला है वहीं आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। अब देखिए मेरी ग्रेवी में से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें केवल मैं दो चम्मच दही डाल दूंगी। दही से इसका टेस्ट एकदम से बदल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादा दही का यूज़ मत कीजिएगा, बस मात्र दो चम्मच ताज़ा दही का यूज़ कीजिएगा। यह दही डालने से ग्रेवी में एक अच्छी थिकनेस आती है। अब इसमें हमें केवल गर्म पानी ही डालना है, सिंपल पानी का यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, कोफ्ते आप चाहे तलकर बनाएं चाहे इस तरीके से बनाएं, आप इसमें गर्म पानी पहले डाल दीजिए और पानी को अच्छी तरीके से खौला लीजिए तो आपके कोफ्ते कभी ग्रेवी में बिखरेंगे नहीं और एक एक कोफ्ता बिल्कुल साबुत रहेगा। अगर आप ठंडे पानी में कोफ्तों को डाल देंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल बिखर जाएंगे। और अब इसमें अपने सारे कोफ्ते डाल देंगे। और आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उतनी गाढ़ी आप ग्रेवी को खौला सकते हैं। थोड़ी देर में देखिए कोफ्ते भी अच्छे से गल जाएंगे। और ये देखिए एक एक कोफ्ता बिल्कुल अलग अलग है। मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी ग्रेवी में खुले नहीं हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पानी को पहले ही खौला के डाला है और मैंने मसाले में भी खौला लिया था। अब इसमें आधा चम्मच कस्तूरी भुनी हुई डाल देंगे और आधा चम्मच ये मैंने गरम मसाला लिया है ये इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और सबसे बाद में मैं इसमें का बारीक कटा हुआ बिल्कुल हरा धनिया डाल दूंगी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे लौकी के कोफ्ते बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको इसमें ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो और भी ज़्यादा गाढ़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे कोफ्ते कितने गाढ़े बने हुए हैं। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेवी थोड़ी बनाते समय पतली ही रखिएगा क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कोफ्तों को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे थोड़े हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और मेरे कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते बिना तले तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व कीजिए, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।